शाहरुख खान की फिल्मों ने बीते साल खूब धमाका किया। रोमांस से अलग एक्शन किंग के रूप में शाहरुख को दर्शकों ने काफी पसंद किया और उनकी फिल्मों को देखने के लिए महंगी से महंगी टिकट खरीदने से पीछे नहीं हटे। साल 2023 का अंत होने के साथ ही शाहरुख खान की फिल्म डंकी के साथ फैंस के बीच आए। किंग खान का स्टारडम वर्ल्ड वाइड तो काफी काम आया, पर फिल्म को भारत में उतनी अच्छी शुरुआत नहीं मिली। पर फिल्म ने दूसरे हफ्ते से रफ्तार पकड़ना शुरू किया और अभी तक यानी कि अपने तीसरे हफ्ते में भी धमाल मचा रही है। शाहरुख खान की साल 2023 में रिलीज हुई दो फिल्में पठान और जवान ने 50 से 60 करोड़ की इंडिया में ओपनिंग की थी, तो वहीं डंकी की 31 दिसंबर 2023 को ओपनिंग ठीक ठाक हुई। इस फिल्म ने अपने पहले गुरुवार को 30 करोड़ का बिजनेस किया। पिछले रविवार को लगभग 4 करोड़ 25 लाख का बिजनेस करने वाली मूवी का कलेक्शन वर्किंग डे सोमवार को 19वें दिन काफी गिर गया। सैकनिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने सिंगल डे यानी कि सोमवार को महज 2 करोड़ रुपए की ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। शाहरुख की फिल्म डंकी के साथ प्रभास की फिल्म सलार ने बॉक्स ऑफिस पर टक्कर ली थी। ऐसे में प्रशांत नील की एक्शन फिल्म को भी हिंदी में अच्छी ऑडियंस मिल रही है। शाहरुख खान, तापसी पन्नू और विक्की कौशल स्टारर इस फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 19 दिनों में लगभग 218 करोड़ की नेट कमाई की है, जबकि इस फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 260 करोड़ का हुआ है। अगर शाहरुख खान की डंकी इसी स्पीड से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ती है तो इस फिल्म के लिए 300 करोड़ भी इंडिया में कमाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी।